जी नमस्कार चिराग पासवान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। कोई समस्या वहाँ पे शेखपुरा में, किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई कुछ? बिल्कुल सब चीजें नियंत्रण में है सर। हम लोग दो के एसओपी के तहत सारे काम कर रहे हैं। जी हमारे यहाँ जितने भी राज्य के बाहर के लोग आए थे उनको आइडेंटिफाई करके जो बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग है वो हो गई है। ठीक है। 18 मार्च के बाद भी 23 लोग हैं जो अब्रॉड से आए थे, उनमें से 5 10 मार्च के बाद 23 आए थे। 18 मार्च के बाद 5 थे, उन 5 का हम लोगों ने सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दिया। अच्छा। उनका रिपोर्ट भी आ गया, दोनों नेगेटिव है। केस से रिपोर्ट आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक आने की संभावना है। ठीक है। बाकी जितने भी हमारे यहाँ जो भी लोग हैं बाहर के भी अगर यहाँ पर है या शेखपुरा के ऐसे लोग जो किसी भी सरकारी स्कूल से आस्थापित नहीं है किसी भी कारण पर, जैसे बेंगल जो भी, तो उनके लिए भी हम लोग राशन ड्राई राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 कम्युनिटी किचन आपदा राहत केंद्र के तौर पर चल रही है, एक बरबीघा में एक शेखपुरा में, अभ्यास सुविधा में एक बरबीघा में और एक शेखपुरा में, मतलब दोनों विधानसभा में एक एक। ठीक है। दोनों विधानसभा में एक एक हम लोग कर रहे हैं। उसमें 24/7 है, ऑफिसर की डेपुटेशन भी है और सभी लोगों के लिए वो अवेलेबल है। ठीक है। बाकी की जो सारी हेल्थ कैटेगोरी है हर बीएससी में चार टीम बनाई गई है। हमारे 6 सेल हम लोगों ने बनाए हैं, वो भी 24 आवर्स काम कर रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, एक डेडिकेटेड सेल इसी चीज के लिए, सभी टेलीफोनिक या अदरवाइज सूचना प्राप्त होती है तो उसको शॉर्टेस्ट टाइम में हम लोग कैसे रिजल्ट कर सकते हैं उसकी व्यवस्था भी की गई है। अच्छा। किसी भी व्यक्ति को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा इस लॉकडाउन की अवधि में। चलिए। और कहीं पे कोई राशन की, खाने पीने की कोई कमी, कोई कॉमोडिटीज के संबंध में कोई दिक्कत नहीं है? हमारी तो फोटो की रेट वगैरह चलते हैं, रेट भी बिल्कुल नियंत्रण में है और किसी भी खाद्य पदार्थ का कोई भी शॉर्टेज नहीं है। ठीक है डीएम साहब, अब कहीं पे कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी होगा, तो आप मुझे सीधा बताइएगा, है ना? कहीं पे भी लगे कि आई नीड टू इंटरफेयर या आई नीड टू असिस्ट, तो मुझे बताइएगा, है ना? सर बिल्कुल बताया जाएगा।